हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। आइए आज देखते हैं हम लोग डीजे कनेक्शंस या डीजे में वायरिंग कैसी होती है, और साथ ही साथ में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे डेजी चेन, या किन्हीं दो एम्पलीफायर्स को हम लोग आपस में कनेक्ट या कपल कैसे करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, वीडियो में आपको मैं वो मेथड भी दिखाऊंगा डेजी चेन का, और इसके डीजे के कनेक्शंस कैसे होते हैं, मतलब मिक्सर से क्रॉसओवर, क्रॉसओवर से एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से फिर स्पीकर सेक्शन, ये सारा कनेक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं बना के रखूँगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें सिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि आप इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अभी काफ़ी एक्टिव रहने लगा हूँ। 2 दिन तक मैं कमेंट्स का जवाब बहुत ही दिल से देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग इस टाइप की वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल की आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको इन टाइप की वीडियोस के आने के बाद नोटिफिकेशन मिले और आप पहले इन वीडियोस को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने MX का मीडिया प्लेयर चूज़ किया है आज के हमारे DJ सेटअप में कनेक्ट करने के लिए। मीडिया 4500 इसका मॉडल नंबर है, काफ़ी इजी मीडिया प्लेयर है मैं बोलूँगा, यानी आप ऑपरेटिंग के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सीखने में, एक आध घंटे में आप इसे फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा पोप का क्रॉसओवर। जनरली इस क्रॉसओवर को थ्री वे मोड में यूज करा जाता है, लेकिन आज मैं आपको टू वे मोड में इसका वायरिंग दिखाने वाला हूं। टू वे मोड इसलिए क्योंकि कई लोग बेस के साथ डबल 15 इंच के टॉप यूज करते हैं, तो ऐसे समय पे सारी वायरिंग जो होती है टू वे मोड पे लगाई जाती है। अब टू वे मोड होता क्या है, क्रॉसओवर में से दो कनेक्शंस निकलेंगे, एक जो जाएगा बेस के एम्पलीफायर को, दूसरा कनेक्शन जो जाएगा वो मिड और हाई देने वाले एम्पलीफायर को। यानी कि यहां पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग तीन में डिवाइड कर न करते हुए दो में डिवाइड करेंगे, एक बेस का सेक्शन अलग, एक मिड हाई का सेक्शन अलग। तो अब इन फ्रीक्वेंसीज को या इस सेटअप को समझने के लिए हम लोग पहले कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, MX का जो हमारा प्लेयर है, हम लोग उस MX के प्लेयर को कनेक्ट कर देंगे हमारे क्रॉसओवर में RC2XLR केबल के थ्रू। अभी RC2XLR केबल क्या होता है ये देखिए एक बार, ये हुआ हमारा RC पिन, और इसका दूसरा एंड जो है केबल का, ये पहले RC पिन तो हमने इसमें लगा दी RC सॉकेट में, जो कि MX मीडिया प्लेयर में लगा हुआ है आउटपुट सेक्शन में, मास्टर साइड में। मास्टर सेक्शन से गेन सबसे अच्छा निकलता है, तो हम लोग जनरली क्रॉसओवर इन चैनल्स में या इन आउटपुट में ही लगाएंगे, ताकि हमको गेन भरपूर मिले। और ये साइड है XLR साइड, उसी सेम केबल का XLR वाला साइड। XLR वाला साइड हम लोग कहाँ लगाएंगे, क्रॉसओवर के इनपुट सेक्शन में। अब आप बोलेंगे इनपुट सेक्शन में क्यों, क्योंकि हमको पहले मीडिया प्लेयर से या मिक्सर से आउटपुट निकाल के हमको क्रॉसओवर में इनपुट करना होगा, तभी जाके क्रॉसओवर से आप उसकी एक तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर सकेंगे, गेन बढ़ा सकेंगे और एम्पलीफायरों में आउटपुट दे सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आउटपुट केबल जो मिक्सर से आया है उसको क्रॉसओवर में लगाना होगा। ये देखिए हमने दोनों केबल्स को प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया है, इसमें लेफ्ट राइट का फंडा कई बार नहीं आता है, तो आप किधर भी लगा सकते हैं इधर, मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाला ही केबल चैनल 1 में जाए, आप चैनल 2 में भी लगा सकते हैं इसे। अब ये हो गए हमारे कनेक्शंस मीडिया प्लेयर से क्रॉसओवर के, हम लोग आगे कनेक्ट करते हैं इसमें एम्पलीफायर्स को। ये कनेक्शन एक बार देख लीजिए, हमने ये जो इनपुट
चैनल वन में किया है और ये इनपुट चैनल टू में, ये दोनों ऑरेंज कलर के केबल हमने मीडिया प्लेयर से लाके क्रॉस ओवर में लगा दिया है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दो केबल हम लोग रेड कलर के यूज करेंगे और दो कलर ब्लू के केबल हम लोग यूज करेंगे। ये कलर्स का कॉम्बिनेशन इसलिए मैं सेपरेट रख रहा हूं ताकि आप लोग उस कनेक्शन को समझ सकें कि हमने बेस को एक सेक्शन दिया है और हमने मिड हाई को एक सेक्शन दिया है। हमने रेड कलर का जो केबल है वो हमने बेस के लिए यूज किया है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, हमने दो आउटपुट निकाले जो कि हम लोग बेस के एम्पलीफायर को जाके देंगे। उसके बाद सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसे टू वे पे हम लोग चला रहे ना, तो हम लोग ब्लू वाला केबल यूज करेंगे टू वे सेक्शन के हाई मिड वाले सेक्शन में, जहां से हाई और मिड दोनों निकले उसमें हमने ब्लू कलर का केबल इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हम इसे टू वे मोड पे चला रहे हैं। तो टू वे मोड का मतलब होता है मिड हाई और बेस। अब हमने यहां पे एम्पलीफायर अपने रख दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीन एम्पलीफायर्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा पोक का MAC8202, दूसरा एम्पलीफायर है हमारा ओरल का MA8200, तीसरा एम्पलीफायर है हमारा साउंड स्टैंडर्ड का Techno 5, जिसमें से कि हम लोग 8202 पोक वाला, इस पे हम लोग दो डुअल 18 के बेस लगाएंगे। इसके बाद है हमारा ओरल का 8200, ये चार टॉप बजाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। और उसके बाद है हमारा Techno 5 साउंड स्टैंडर्ड का, जिस पे हम लोग दो डुअल 18 के बेस लगाने वाले हैं। चलिए इन तीनों का बैक सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये बैक सेटिंग देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इन तीनों को कैसे आपस में डेजी चेन या कनेक्ट करना है और ये तीनों क्रॉस ओवर से कैसे कनेक्ट होंगे। आइए बैक साइड देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां से क्रॉसओवर से दो रेड कलर के केबल निकले हैं जो कि MX प्लेयर में गए हैं। पहले सेटिंग दिखा देता हूं एम्पलीफायर की, ये पैरेलल मोड पे ना रखते हुए स्टीरियो मोड पे मैं रख रहा हूं। सेंसिटिविटी 0.7, ग्राउंड लेफ्ट ऑन कर रहा हूं ताकि सभी एम्पलीफायरों की सेटिंग आपको सेम रखनी है। सेम सेटिंग रखने के बाद ही आप उसे डेजी चेन प्रॉपरली कर सकते हैं। पोप के एम्पलीफायर का भी सेटिंग वही रखा मैंने, साउंड स्टैंडर्ड को भी मैंने स्टीरियो मोड पे रख रखा है, सेंसिटिविटी 0.7, और इसका क्रॉसओवर ऑफ कर दिया अंदर का, लिमिटर ऑन कर दिया है और क्रॉसओवर हमने एक्स्ट्रा ऊपर से लगा दिया है। अब इस क्रॉसओवर से हम लोग इन तीनों एम्पलीफायर की वायरिंग सक्सेसफुली करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ज्ञात करा दूं कि ये ब्लू कलर के जो केबल हैं ये मैंने टॉप के लिए लगाने हैं, तो ये मैं लगा रहा हूं ओरल के 8200 में जो 2 ओम्स पे रेकमेंडेड है। इस पे आप चार टॉप इजीली चला सकते हैं। दो चैनल में दोनों इनपुट लगाने के बाद मैं इस पे चार टॉप इस पे बजा सकता हूं। तो ये लग गए दोनों ब्लू कलर के केबल क्रॉसओवर से हाई मिड वाले सेक्शन से, और ये लो वाले सेक्शन से हमने लगाए स्टीरियो मोड के पोप के 8202 के इनपुट वाले सेक्शन में। अब ये तो पोप के एम्पलीफायर के लिए हो गया, अब इसे डेजी चेन कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पोप के लिंक वाले सेक्शन से हम लोग दो आउटपुट निकालेंगे और वो हम लोग नीचे साउंड स्टैंडर्ड के Techno 5 एम्पलीफायर में हम लोग लगा देंगे। ये दो हमने लिंक आउटपुट निकाले जो पोप से निकले और साउंड स्टैंडर्ड के चैनल 1 और 2 में हम दोनों इनपुट में लगा देंगे। इससे ये होगा कि क्रॉसओवर से इनपुट पहले पोप के एम्पलीफायर में आया और पोप के एम्पलीफायर से आउटपुट निकल के साउंड स्टैंडर्ड के Techno 5 में आया।
इससे दोनों एम्पलीफायर को वही ऑडियो सिग्नल मिलेगा जो क्रॉसओवर से निकल रहा है लो सेक्शन से। अब इसी को अगर मैं पैरेलल मोड पे सेट करता हूं तो मुझे इतने सारे कनेक्शंस देने का काम ही नहीं। अब मैं मोड को पैरेलल कर रहा हूं सभी एम्पलीफायर के। अब मेरा काम क्या होगा? अब मेरा काम यह होगा कि मुझे चैनल वन में इनपुट करना पड़ेगा सभी एम्पलीफायर के। तो जैसा आप देख रहे हैं, क्रॉसओवर से आउटपुट लिया मैंने लो का और वो पोप के चैनल वन में लगा दिया और उसी के लिंक से चैनल वन के टेक्नो फाइव में लगा दिया, साउंड स्टैंडर्ड टेक्नो फाइव में। अब यही कैलकुलेशन मुझे ओरल के साथ भी करना होगा। अब मान के चलते हैं पैरेलल मोड और ऊपर से डेजी चेन, तो मुझे बहुत ही कम वायरिंग में ये सारा खेल मैं कर सकता हूं। लेकिन बेस्ट ये है कि दो एम्पलीफायर्स तक आप डेजी चेन करें, उससे ऊपर आप डेजी चेन ना करें, उससे ऊपर आप सेपरेट स्प्लिटर या डिस्ट्रीब्यूटर यूज करें। ये हो गया हमारा कनेक्शन। क्रॉसओवर से चैनल वन में इनपुट किया हमने पोप के पैरेलल मोड रखते हुए और उसी के लिंक आउटपुट से निकाल के हमने साउंड स्टैंडर्ड के चैनल वन में इनपुट किया। बेस के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। ओरल के 8200 में कनेक्शन आया जो कि चार टॉप बजाने के लिए रिकमेंडेड है, यानी कि 2 ओम्स पे रिकमेंडेड है। ये रेड वाला केबल फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, जो पोप के चैनल वन में आया वहां से लिंक आउटपुट से केबल निकला जो टेक्नो फाइव के चैनल वन में इनपुट गया। ये तो केबल्स का कलर था जिसके वजह से हम लोग इजीली से पहचान रहे हैं। देख सकते हैं आप, हाई मिड से निकला ओरल के 8200 में चैनल वन में गया। अब हम लोग लगाते हैं हमारे स्पीकर सेक्शन को। स्पीकर सेक्शन तो बहुत इजी सेक्शन होता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हम लोग ना डुअल 18 के बेस और डुअल 15 के टॉप लगाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डुअल 18 का एक बॉक्स चैनल वन में इनपुट कर दिया, डुअल 18 का दूसरा बॉक्स चैनल टू में इनपुट कर दिया पोप के MSC 8202 में। वैसा ही टेक्नो 5 के चैनल एक में और टेक्नो 5 के चैनल दो में एक एक डुअल 18 का हमने बॉक्स लगा दिया है। दोनों एम्पलीफायर अब 4 ओम्स पे चलने वाले हैं, जो कि ये बहुत स्टेबल होते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा बेस आपको मिलने वाला है। अब इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, टॉप का भी वायरिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले तो ओरल के 8200 पे चार टॉप कनेक्ट कर दिए हैं, 2 ओम्स पे ये एम्पलीफायर चल रहा है। MSE 8202 पोप के एम्पलीफायर पे मैंने दो डुअल 18 स्पीकर्स लगा लिए, 4 ओम्स पे ये चल रहा है। साउंड स्टैंडर्ड का टेक्नो 5 पे भी मैंने दो चैनल पे दो डुअल 18 लगा दिए, वो भी 4 ओम्स पे चल रहा है। कनेक्शंस बहुत इजीली हो गए हैं, स्पीकर्स के वायर भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इस टाइप का कनेक्शन आप कर सकते हैं अपने डीजे में भी। अगर आपके पास सोर्सेस कम है, जैसे कि क्रॉसओवर से दो ही आउटपुट निकल रहे हैं एक चैनल के, यानी टोटल 4 आउटपुट निकल रहे हैं और आपको एम्पलीफायर ज़्यादा लगाने हैं, तो आप डेजी चेन का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते मैं आपको दो एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करने के लिए डेजी चेन रिकमेंड कर सकता हूँ, ज़्यादा के लिए नहीं। आशा करता हूँ इस टाइप की और वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं और ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और आपको इस टाइप की और कुछ नए कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बोलिए, अभी मैं बना सकता हूं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।